हेलो गाइस, वेलकम टू एन अकेडमी। मैं हूं निकेत अग्रवाल। तो पाकिस्तान ने रिसेंटली एक डिसीजन लिया है जिसके थ्रू वो पूरा का पूरा मैनेजमेंट जो करतारपुर साहिब का है, जिसको लास्ट ईयर ओपन किया गया था इंडियन पिलग्रिम्स के लिए, उसको एक सिख बॉडी से हटा करके उसकी जो मैनेजमेंट है वो अब एक सेपरेट ट्रस्ट करेगा। एंड अगेन, बहुत हाई चांसेस है कि उस ट्रस्ट के अंदर जो मेजोरिटी मेंबर्स हैं वो नॉन सिख हो सकते हैं। तो इसी के कारण से इंडिया ने इसको अपोज किया है। एंड बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये एक तरह से बिट्रेयल है जो पाकिस्तान कमिट कर रहा है सिख्स के साथ एंड इंडिया के साथ ऑन द होल। अगर अभी आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा यूजिंग द कोड ANI7। तो आप मेरा रेफरल कोड जो है वो डालेंगे ANI7, तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, 24 मंथ्स पे अगर आपने लगाया तो 72,000 की जगह आपका जो प्राइस है वो रिड्यूस होकर 64,800 रह जाता है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड स्कीम। तो आप अनअकैडमी प्लस और अनअकैडमी का आइकॉनिक दोनों के अंदर इस चीज़ को ले सकते हो एंड आपको यहाँ पे पर्सनल मेंटरशिप भी मिल जाती है। तो गाइस, अगेन इशू, जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान ने डिसाइड किया है कि अब जो करतारपुर साहिब गुरुद्वारा है इसकी जो मैनेजमेंट है वो कोई सिख बॉडी नहीं बल्कि एक सेपरेट ट्रस्ट करेगा, जिसके कारण से इंडिया के अंदर भी थोड़ी एजिटेशन हुई है। एंड इंडिया ने इसको इस मूव को पाकिस्तान के क्रिटिसाइज भी किया है एंड जो सिख्स हैं वो भी इससे काफी नाराज हैं। अगर हम थोड़े से स्टैटिक पोर्शन की तरफ जाएं, यानी कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जाएं, तो जो गुरुद्वारा करतारपुर साहिब है इसका हम थोड़ा सा मैप एनालिसिस करेंगे, क्योंकि ये हमसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। इसको ओरिजिनली गुरुद्वारा दरबार साहिब भी बोला जाता था और ये पाकिस्तान के अंदर जो नरवोल डिस्ट्रिक्ट है वहां पे पड़ता है। एंड इसके साथ जो एसोसिएटेड रिवर है वो है रिवर रावी। तो रिवर रावी नरोल नारोवल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, गुरुद्वारा दरबार साहिब इसको बोला जाता है। एंड ये हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट और स्पिरिचुअल एरिया है सिख धर्म के लोगों के लिए। अब हिस्टोरियंस की अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट सिख गुरु थे यानी कि गुरु नानक देव जी, वो करतारपुर के अंदर आए थे 1520 से 1522 के बीच में और उन्होंने अपने जीवन के 18 साल यहाँ पे जो है गुजारे थे। और आप कह सकते हो कि यहाँ पे ही उस सिख धर्म की जो नींव है, जो फाउंडेशंस हैं, जो कोर प्रिंसिपल्स हैं, उनको रखा गया था। तो इसी के लिए उनकी याद में यहाँ पे जो गुरुद्वारा करतारपुर साहिब का है वो कंस्ट्रक्ट करवाया गया था उस टाइम की, क्योंकि ऑफ कोर्स पूरा का पूरा पंजाब था, पंजाब के अंदर ये एरिया जो था वो पड़ता था। एंड करतारपुर कॉरिडोर जो है इसको काफी ज्यादा आप कह सकते हो नेगोशिएशंस के बाद अल्टीमेटली लास्ट ईयर 2019 के अंदर खोल दिया गया था, जिसके बाद बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जो है यहाँ पे दर्शन किए थे। एंड एक पीपल टू पीपल कनेक्शन भी हमें देखने को मिला था, क्योंकि यहाँ से लोग जा रहे थे, वहां पे जा रहे थे, तो अगेन वहां पे कुछ ना कुछ चीज खरीद के भी लेके आ रहे थे। तो एक अच्छा बॉन्ड हमें दोनों ही मुल्कों के बीच में, दो देशों के बीच में देखने को मिल रहा था। अब जो गुरुद्वारा करतारपुर साहिब का है और जो गुरुद्वारा है इंडिया में डेरा बाबा नानक श्राइन, ठीक है, जो कि गुरदासपुर पंजाब में पड़ती है, इन दोनों को कनेक्ट करता है करतारपुर कॉरिडोर। इसको मैं मैप में भी आपको दिखाऊंगा। तो करतारपुर कॉरिडोर से बेसिकली आप एक गुरुद्वारे से दूसरे गुरुद्वारे पे जो लगभग सिर्फ 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे है वहां पे कनेक्ट जा सकते हो। एंड जो एग्रीमेंट हुआ था इंडिया के साथ उसके अंदर वीजा फ्री मूवमेंट था, जो भी इंडिया के श्रद्धालु हैं उनको बिना किसी वीजा के पाकिस्तान जाकर के यहाँ पे दर्शन करने का मौका मिल रहा था। एक सिर्फ एक ऑफिशियल परमिट की जरूरत होती थी, अगर आपको परमिट मिल जाता है तो आप बिना किसी वीजा के ही डायरेक्टली यहाँ पे करतारपुर जाकर के दर्शन करके वापस लौट सकते थे। और इसीलिए बहुत ज्यादा अच्छी फैसिलिटी थी और काफी ज्यादा लोग जो थे वो यहाँ पे खुश थे और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे दर्शन भी किए थे। ये जो कॉरिडोर है ये 2019 में बना था एंड ये एक सिस्टम से कोमेमोरेट कर रहा था 550th बर्थ एनिवर्सरी श्री गुरु नानक देव जी की, जो कि फाउंडर सिखिज्म के अगेन 550वीं सालगिरह थी। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। एंड आपको पता है कि यूपीएससी भी जब क्वेश्चन बनाता है तो इस तरह की चीजें उठा लेता है कि 100 वर्ष किसका हुआ, 200 वर्ष किसका हुआ, 300 वर्ष किसका हुआ, इस तरह से। तो यहाँ पे भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट जुड़ा हुआ है। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको ये चीजें प्रीलिम्स में नहीं भी पूछी जाती तो आपको मेंस में, इंटरव्यू में या किसी भी और रिटन चीज में, एसेस के अंदर आप इसे एज अ फोटो पॉइंट यूज कर सकते हो। अब ये देखिए, जैसे मैं आपको मैप का बता रहा था, तो ये जो रेड लाइन में आपको दिख रहा है ये है इंडो पाक बॉर्डर एंड आपको ये इंडिया की साइड पे दिख रहा है डेरा बाबा नानक वाला, जो कि गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, पंजाब के अंदर, इंडिया वाले पंजाब के अंदर। उसके बाद ये रावी रिवर होगी जो पाकिस्तान के अंदर जा रही है एंड यहाँ पे आपका आ जाता है करतारपुर साहिब, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो बीच का एरिया दिख रहा है आपको ये है सिर्फ 2 किलोमीटर का स्ट्रेच। तो बॉर्डर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर ही ये गुरुद्वारा है। तो ये करतारपुर साहिब कॉरिडोर है जिसके अंदर आप यहाँ से जाकर के दर्शन करके वापस लौट सकते हैं एंड वीजा फ्री यहाँ पे आपका सारा कुछ रहता है। तो दिस वॉज अ वेरी गुड फैसिलिटी जो सिख पिलग्रिम्स के लिए रखी गई थी।
तो अगेन आपको रिवर देखना है कि रावी रिवर हो गई, इंडो पाक बॉर्डर हो गया, दोनों तरफ पंजाब है, एंड ये वाला आपका आ गया करतारपुर, एंड ये आ गया आपका गुरदासपुर। तो दिस वॉज ऑल फॉर दिस टॉपिक, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। सो गाइज, अन अकेडमी आपके लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की कैटेगरीज लेके आया है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए भी आप अब अन अकेडमी के ऊपर आ सकते हैं और सारे आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं वो कवर कराए जाएंगे। यूपीएससी ऑप्शनल कैटेगरीज की अगर मैं बात करूँ तो 31 अक्टूबर तक आपको एक इंट्रोडक्टरी ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो पूरी तरह से फ्री मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, अगर आप अभी अन अकेडमी को सब्सक्राइब करते हो तो। आपका 12 महीने का जो 49,500 GS का है उसमें ऑप्शनल 27,500 का आपको फ्री मिल जाएगा, लेकिन आफ्टर 31 इस तरह की कोई स्कीम नहीं है, तो आपको टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 77,000 का खर्च करना पड़ेगा। आप 1 महीने से भी ऑप्शन को सब्सक्राइब कर सकते हो। 1 महीने का ऑप्शनल का GS का जो आपका प्राइस है वो 9,000 है और 5,000 आपके ऑप्शनल का है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं अप टू 3 ईयर्स। इसके अलावा अन अकेडमी एस्पायर का एक मॉक टेस्ट हो रहा है, सो दिस ऑल इंडिया मॉक टेस्ट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें किया जाएगा एंड इसके अंदर आपको प्राइसेस भी मिलेंगे और स्कॉलरशिप्स भी मिलेगी जो भी टॉप 50 पीपल होंगे। 1 नवंबर को 10 बजे ये शुरू होगा एंड उसके बाद ये कंटिन्यू रहेगा 10th, 25th और 30th को भी। अन अकेडमी के स्पेशल बैचेस मेन्स एग्जाम के लिए भी शुरू हो गए हैं। इसके अंदर आपका बायलिंगुअल बैच है जिसके अंदर इंग्लिश और हिंदी दोनों का इस्तेमाल किया जाएगा। हिंदी ओनली बैच है जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है एंड इंग्लिश ओनली बैच है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एंड जिनको हिंदी समझ में नहीं आती है। तो जो बायलिंगुअल बैच है मेजॉरिटी बच्चों के लिए वो ठीक रहेगा, क्योंकि उनको इंग्लिश के अंदर टेक्सुअल कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, PDFs मिल जाएंगे एंड हिंदी के अंदर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, तो बायलिंगुअल बैच भी आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप किसी और लैंग्वेज बैकग्राउंड से आते हैं, कोई और आपकी मदर टंग है, तो आप जो है इंग्लिश ओनली बैच को भी चूज कर सकते हो। और आप हिंदी के अगर बैकग्राउंड से हो एंड आपने हिंदी में ही एग्जाम देना है तो आप हिंदी ओनली बैच को भी एनरोल करा सकते हो। तो जो आपकी क्लासेस हैं वो 19 अक्टूबर, 14 अक्टूबर से शुरू हो रही हैं। इसके अलावा अन अकेडमी का एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर होगा फॉर GS4 मेंस एथिक्स। एथिक्स का पेपर आपको पता है बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है एंड बहुत ज़्यादा गेम चेंजर होता है। अगर आप मेंस के अंदर अच्छा रैंक लाना चाहते हैं, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था एक मार्कशीट के सहारे से, तो सेम चीज़ यहाँ पे बताई जाएगी एंड आपको पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करना है वो सब बताया जाएगा। एंड दिस क्लास विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लास ली जाएगी, मृणाल सर जो है इसके अंदर अपीयर होंगे 25 अक्टूबर को 9 बजे ये क्लास शुरू हो जाएगी। तो आप इसके लिए भी एनरोल करा सकते हैं अन अकेडमी की साइट पर जाके। इसके अलावा UPSC की जो कंप्लीट बैचेज हैं, जो भी लोग 2021 में अपीयर होना चाहते हैं एग्जाम में, उनके लिए 2 नवंबर से शुरू हो रहे हैं। 2 नवंबर से जो बैचेस शुरू हो रहे हैं, अगेन आपको हिंदी ओनली बैच मिल जाएगा, इंग्लिश ओनली बैच मिल जाएगा एंड बायलिंगुअल बैच भी मिल जाएगा। PDF, स्टडी मटेरियल, इंटरव्यू प्रिपरेशन, डाउट क्लियरिंग सब कुछ यहाँ पे कराया जाएगा। अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी आपको, क्योंकि एक तो आप घर के कंफर्ट में रहकर इसको पढ़ सकते हैं और आपको एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर अनलिमिटेड कोर्सेज मिल जाते हैं और आपको सारे के सारे जो एजुकेटर्स हैं वो भी टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं ऑल ओवर इंडिया के, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा डाउट क्लियरिंग सेशन, आंसर राइटिंग सेशन, PDF सारी की सारी, टेस्ट सीरीज, वो सारी की सारी चीज़ें भी आपको मिलती हैं। एंड अगर आप अभी कॉलेज के अंदर हैं या अभी अभी आपने प्लस टू किया है, तो आप लॉन्ग टर्म बैचेस को भी ले सकते हो। तो 2 साल का बैच लेना है, 3 साल का बैच लेना है, वो भी ले सकते हो। लेट नाइट बैचेस ले सकते हो जिसके अंदर आपका जो डे है वो इफेक्ट नहीं होता है एंड घर के कंफर्ट पे आप पूरा का पूरा जो एग्जाम की तैयारी है वो कर सकते हो। इसके अलावा इसमें सेक्शनल क्विजेज भी हम कराते हैं आपको, करंट अफेयर्स की डेली क्विजेज भी होती है, डेली करंट अफेयर्स प्रैक्टिस भी आपकी होती है और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी हम पूरी तरह कराते हैं। अदर बेनिफिट्स भी यहाँ पे लिस्टेड है, वो आप देख सकते हैं। जो हमारे डेली करंट अफेयर्स की टेस्ट होते हैं, इसके अंदर 20 क्वेश्चंस होते हैं, 20 मिनट्स का होता है, 40 मार्क्स का होता है और उसके बाद आपको टेस्ट का डिटेल एनालिसिस दिया जाता है। ये डेली 7:30 PM पे कराई जाती है, तो शाम को 7:30 बजे आपके पूरे दिन के करंट अफेयर्स जो है वो क्विज के माध्यम से रिवाइज हो जाते हैं। साथ ही साथ आप अन अकेडमी को यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हो, अन अकेडमी आर्टिकुलेट, अन अकेडमी UPSC करंट अफेयर्स, अन अकेडमी लक्ष्य, अन अकेडमी एक्सपेडिशन। हमारा टेलीग्राम चैनल है अन अकेडमी आर्टिकुलेट एंड हम फेसबुक पे भी अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं।